my name is Madhuri. You are watching All Things Together. First of all, happy Diwali to all of you from me and my family. Advance. आज का लुक है दिवाली का स्पेशल लुक. आप इसे दिवाली के किसी भी दिन ट्राई कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन, धनतेरस के दिन और बहुत सारे दिनों के लिए. ये दिवाली है 7-8 दिनों के लिए शायद, तो इसके लिए आप कभी भी ये यूज कर सकते हैं लुक. और देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एज ए प्राइमर में निविया आफ्टर शेव बाम सेंसिटिव यूज कर रही हूँ. ये प्राइमर थोड़ा सा रनी है, एक्चुअली ये प्राइमर नहीं है, निविया आफ्टर शेव बाम है, लेकिन ये प्राइमर के लिए बहुत अच्छा काम करता है गाइस, रियली. पूरे फेस को डॉट डॉट करके अच्छी तरह से ब्लेंड करना है. ये ऑल स्किन टाइप है, आप कोई भी स्किन टाइप के हो ये प्राइमर यूज़ कर सकते हो. दी फाउंडेशन आई एम यूजिंग क्रायलॉन FS28. दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन. डॉट डॉट करके पूरे फेस को लगाना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है. इराए का स्किन टॉनिक से मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर रही हूँ, सो इट विल गिव मी अ गुड कवरेज. इफ़ यू डोंट हैव दैट स्किन टॉनिक देन यूज वाटर. अगर यू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर देन आपके स्पॉन्ज को वेट करना बहुत ज़रूरी है. चाहिए तो आप मेकअप फिक्सर से करो, स्किन टॉनिक से करो, वाटर से करो, लेकिन वेट ज़रूर करना. द कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग मेबलिन एज रिवाइंड इरेजर एंड आई एम इन द शेड लाइट. ये ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है सो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर आता है. सो या इट इज़ वेरी गुड हाइलाइटर कंसीलर. एक्चुअली मैंने ये जब ख़रीदा था तब अमेज़ॉन से ख़रीदा था, बहुत एक साल से पहले, लेकिन अभी ये नायका में अवेलेबल है. नायका ने अभी ये लॉन्च किए हैं, देन इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन चेक इट आउट. मैं मेरे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे डैब डैब मोशन में सेट कर रही हूँ. आईलिड के ऊपर भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरी आई शेडो लास्ट लॉन्ग करे. एक टिप देना चाहती हूँ, ये जो हाइलाइटर है बहुत जल्दी ड्राई आउट होता है तो इसके ऊपर हमें फास्ट काम करना है. क्रायलॉन FS27 आई एम यूजिंग फॉर कंटोरिंग. बहुत ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मैं मेरे ईयरलाइन से नीचे आते हुए मेरे फेस को कंटोर कर रही हूँ, थोड़ा सा नोज को. मेरा फोरहेड ऑलरेडी छोटा है तो मैं उसे कंटोर नहीं करूँगी. मेरी जॉ लाइन को भी कर. एक्चुअली कंटूरिंग क्या होता है कि अपना जो चीक्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा छोटा दिखाने के लिए हम लोग फेस कटिंग करते हैं, इसे कंटूरिंग बोलते हैं. मैं मेरे नोज़ को कंटूर करने के लिए मेरे फिंगर से ही कर रही हूँ. मेरा मेकअप सेट करने के लिए फैशन कलर का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था उसी जगह पर मैं अपना जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो सेट कर रही हूँ. वहाँ पर कंटूर करने के लिए चौबा की आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. सो ये आई शेडो है और बिल्कुल भी शिमरी नहीं है, ये ब्राउन है, मैट ब्राउन. इसके लिए मैं ये कंटूर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. मैंने जहाँ पे क्रीम कंटूर किया था तो उसको सेट करने के लिए मैं ये ब्राउन कलर का पाउडर कंटूर कर रही हूँ. ये क्रीम कंटूर के ऊपर पाउडर कंटूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो क्रीम है वो मेल्ट हो सकता है. सो ऑलवेज बेसिकली ये ध्यान में रखना कि जब भी आप कंटूर करें तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट लेके वर्क करें इसके ऊपर. नेक्स का आईब्रो केक यूज़ कर रही हूँ मैं आईब्रो डिफाइन करने के लिए. बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक्स में आपको आईब्रो डिफाइन करनी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है. आप कोई भी आपकी आईब्रो पेंसिल यूज़ कीजिए, लेकिन आईब्रो को ग्रूम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही लिफ्टेड और अच्छा लुक देती है. अगेन आई एम यूजिंग द बाम इन माई हैंड पैलेट इन द शेड मैरी लुमिनाइजर. मैं आईब्रो के बोन के ऊपर लगा रही हूँ और आईब्रो के थोड़ी ऊपर भी लगाऊंगी हाईलाइट करने के लिए. सॉरी गाइज बट मैं पैलेट बार बार यूज़ कर रही हूँ कि मेरा मन किसी और पैलेट के ऊपर जाता ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट. अगेन मैं मेरा चौबा का ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने क्रीज को डिफाइन करने के लिए, एक ट्रांजिशन कलर के लिए. उसी पैलेट में से एक मरूनिश कोकमिश कलर लेके आउटर कॉर्नर में जस्ट डिपॉजिट कर रही हूँ वो कलर, और उसके बाद में मेरे क्रीज लाइन के ऊपर वो धीरे धीरे लेती जा रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, और इसे धीरे धीरे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. और एक पिंकिश ऑरेंजिश कलर लेके मैं आईलिड पे जस्ट प्रेस कर रही हूँ. ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, पर ग्लिटर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, जस्ट ग्लिटर आईलाइनर यूज़ करके मेरे आईलिड पे लगा रही हूँ. ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है. ये ग्लिटर आईलाइनर आपको कोई भी लोकल ब्यूटी स्टोर में आराम से मिल जाएगा. मेरा शेड है गोल्डन.
नॉर्मली ग्लिटर यूज करते हैं तो उससे बहुत फॉल आउट होता है, तो उसके लिए मैंने वो यूज़ नहीं किया है। मैं डायनामिका स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं मेरे आउटर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे वो बहुत ईजी पड़ता है इसके लिए, और थोड़ा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं। और फिर मैं इनर कॉर्नर में जाते हुए ये आईलाइनर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं ये डार्क मरूनिश कोकमिश कलर लेके एक छोटे ब्रश के हेल्प से मेरे वाटर लाइन के नीचे थोड़ा सा स्मज करूँगी। वो बहुत ही अच्छा दिखता है, आईज़ को बहुत पॉपअप भी करता है, तो आई यूजुअली डू दैट फॉर द ट्रेडिशनल लुक। बाद में मेरा ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ लोकल ब्रांड, आई डोंट नो बिकॉज इसके ऊपर का नाम भी चला गया है। सो मैं मेरे वाटर लाइन को लगाते हुए नीचे स्मज करूँगी ये काजल। सो ये जो मरूनिश कलर है वो ब्लैक कलर, ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। मेरा आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ मेरे आई लैश को कर्ल करने के लिए। बेनिफिट रियल का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मैं मेरे अपर और लोअर लैश लाइन को भी ये मस्करा लगा रही हूँ अच्छे तरह से। मेरे पैलेट में से ये दो कलर मिक्स कर रही हूँ, फेंट और डार्क पिंक, और मेरे एप्पल ऑफ चीक पे मैं प्रेस कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हाथों से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही पैलेट हो, आपके पास कोई भी पिंकिश कलर हो या आपके साड़ी या आपके ड्रेस के साथ कोई भी सूट होने वाला कलर हो, आप डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। उसी पैलेट में से गोल्डनी शेड ले रही हूँ मैरी ल्यूमिनाइजर, और मेरे चिक बोन पे जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ, फ्रिज ऑफ माई नोज पे, टिप ऑफ माई नोज पे, क्यूपिड बो पे, फोरहेड पे। अगर आपके पास ये शिमरी गोल्डनी शेड नहीं है और आपके पास कोई आई शेडो भी हो उसका गोल्डनी शेड या इस तरह का हो, आप यूज़ कर सकते हो। मैं ब्लेंडिंग द हाइलाइटर वेरी वेल। अभी बारी है लिपस्टिक की, तो मैं उसी पैलेट में से थोड़ा सा रेड कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर द बेस ऑफ माई लिप्स, और उसके बाद मैं एडियस का लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है नंबर 16, ये बहुत ही फूशिया पिंक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू मेरी साड़ी मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। फॉर द कम्प्लीट लुक आई हैव यूज्ड चंद्रकोर बिंदी ऑन माई फोरहेड, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, ट्रेडिशनल लगती है, सो आई यूज़ दैट। आई एम यूजिंग माई नट फॉर द ट्रेडिशनल लुक। So that's it. So hey guys, here is the finished look of today's video. If you like this video, then please like, share and subscribe. Till then, take care. Bye bye. Happy Diwali to all of you in advance.